Hello everyone, welcome to my channel, and today I'm going to teach you about the role and responsibilities of treasury dealers. ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ट्रेजरी डीलर्स का. सो ट्रेजरी डीलर्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको क्लियरली समझा दिया था. ओके, बट हियर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, देन नंबर वन में क्या आता है, ट्रेडिंग. सबसे पहले ट्रेजरी डीलर का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी डीलर का मतलब क्या होता है. ट्रेजरी डीलर आर दोज प्रोफेशनल हु इज स्पेशलिस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, मीन्स ट्रेजरी सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, टी बिल्स एक्सेट्रा. ओके, तो ट्रेडिंग में क्या हो गया कि इसका रोल ही होता है, डीलर से क्या रोल होता है, जो बाय एंड सेल सिक्योरिटीज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट, देयर क्लाइंट. बिकॉज इफ क्लाइंट के हैव नो आइडिया देन ही इज डूइंग दैट on the behalf of that, behalf of their client. Okay, so this involves executing trade, managing position and ensuring that the best price are obtained for the client. Buying and selling कर रहा है तो ये भी इंश्योर कर रहा है कि सबसे अच्छा प्राइस मतलब क्लाइंट को मिले. इफ क्लाइंट को अच्छा प्राइस मिलता है, इफ क्लाइंट को प्रॉफिट होता है, देन फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो ही इज गोइंग टू चूज दैट ट्रेजरी डीलर ओनली. ओके, हु इज ट्रेडिंग हिज सिक्योरिटी. उसके बाद नंबर टू में क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल क्या होता है, मार्केट एनालिसिस. ट्रेजरी जो डीलर्स होते हैं ना, उनका काम ही होता है कि मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, उसके बाद मॉनिटरिंग करना, फॉरकास्टिंग करना. वो लोग अपना आइज हमेशा मतलब मार्केट पे रखते हैं, अप टू डेट रहते हैं अबाउट द मार्केट कंडीशन, ट्रेंड, अबाउट द ट्रेंड क्या मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी चल रहा है, और उसके हिसाब से वो अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, एक रिपोर्ट भी बना के प्रेजेंट भी करते हैं. दे एनालाइज मार्केट डाटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड अदर इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन. ओके, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट. जो ट्रेजरी डीलर्स होते हैं ना, वो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, वो भी बहुत टाइप्स ऑफ के स्ट्रैटेजी भी अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं किस टाइप्स का स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं, या कैसे कोई भी रिस्क मतलब अभी रिस्क वाला अगर कोई भी सिक्योरिटी है तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, या अगर रिस्क भी अराइज कर रहा है तो किस टाइप्स का हम लोग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ इसमें रिस्क मैनेजमेंट में उसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है. उसके बाद होता है क्लाइंट रिलेशन. क्लाइंट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर डीलर बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाता है अपने क्लाइंट के साथ, अगर अच्छा बॉन्ड बनाएगा देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हीम. बिकॉज इफ ही टुडे ही इज़ मेकिंग अ गुड रिलेशन विद द वन क्लाइंट, टुमारो ही कैन गेन अ 1000 क्लाइंट टू. ठीक है, एक क्लाइंट से 1000 क्लाइंट भी क्रिएट कर सकता है. उसे क्या होता है कि कैसे क्रिएट करता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि कस्टमर को अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो अच्छा अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ट्रेजरी डीलर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि क्लाइंट रिलेशन अच्छा बन जाएगा. दे लिसन टू क्लाइंट नीड्स एंड प्रोवाइड टेलर्ड सॉल्यूशन टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. ऑफकोर्स क्लाइंट का क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो मीट करना चाहता है, क्या उसका गोल है, वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर वो कोई काम कर रहा है और वो काम अच्छा भी हो जा रहा है, सक्सेसफुल भी हो जा रहा है, तो ऐसे क्या होता है कि उन लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छा बनता है, उन लोग का बॉन्ड बहुत ही अच्छा बन जाता है. उसके बाद कॉम्प्लायंसेस. देखिए, अगर कोई भी डीलर को अगर कोई भी आदमी चूज़ करता है तो ये वो भी मतलब उस पर भरोसा करता है. ठीक है, तो भरोसा करता है तो उस टाइम ट्रेजरी डीलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर वो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो देख ले कि हाँ कि वो कॉम्प्लायंसेस हो रहा है कि नहीं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत है कि नहीं, पॉलिसीज के रिलेटेड है कि नहीं. ठीक है, सो दैट अगर इसके हिसाब से नहीं हुआ था तो वो क्या होगा कि रिस्क क्रिएट करेगा, और आफ्टर दैट इट विल बी मीन्स बहुत लॉसेस भी हो सकता है. तो देखो, यहाँ पे ट्रेजरी डीलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज कॉम्प्लाय विद रिलेवेंट रेगुलेशन एंड इंटरनल पॉलिसीज. सेम थिंग व्हाट एवर आई हैव टोल्ड, एक ही चीज़ है. सो दे मॉनिटर कॉम्प्लायंसेस विद मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क लिमिट एंड इंश्योर दैट द फर्म रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आर मीट. एक ही चीज़ है जो मैंने बताया है वही है. ओके, उसके बाद रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, ट्रेजरी डीलर ने, उसके बाद वो हर एक चीज़ को रिपोर्ट करता है, एक रिपोर्ट बनाता है अबाउट देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड उसके बाद वो रिपोर्ट अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करता है एंड टू देयर सीनियर मैनेजमेंट. बिकॉज मे बी अ डीलर इज नॉट ऑलवेज राइट, सो दे ऑल्सो प्रेजेंट देयर वर्क टू द ऑल्सो अ सीनियर मैनेजमेंट फॉर द करेक्शंस. ओके, उसके बाद प्रोसेस इम्प्रूवमेंट.
Treasury dealers are responsible for identifying opportunities to improve process and system and for implementing this improvement to support their trading account. मतलब प्रोसेस को इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट, कोई चीज़ अगर गलत हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्स, उसको उसको वो इम्प्रूव कर सकता है, उसको वो अगर इम्प्रूव होगा तो वो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा, है ना. तो दिस इज़ द ऑल द रोल्स एंड रोल्स प्लेड बाय अ ट्रेजरी डीलर. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव नॉट देन यू कैन कमेंट डाउन एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए. मीन अगर गए ना तो फिर तो पैक. ओके.